तो गैस इस वक्त हम भी चलते हैं स्नान करने के लिए एंड फिर चलेंगे महादेव के पास। वाओ, चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। लहर तो बहुत तगड़ी वाली चल रही है यार, कैसे बारिश हो रही है क्या? लग ऐसा ही रहा है। ओ माय गॉड, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है लहर यहाँ पे चल रही है। इंसान पकड़ के स्नान कर रहा है, अगर गलती से भी छूट गया तो शायद यहाँ से अंदर भी चल सकता है। और रन स्नान के लिए रेडी है ये लोग। चलिए स्नान के बाद हम मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, मैं तो स्नान करके बाहर निकल गया, लेकिन ये लोग अभी भी स्नान कर रहे हैं। भाई पानी इतनी ठंड है ना कि फिर भी मज़ा आ रहा है स्नान करने में। मन नहीं कर रहा है कि इससे बाहर निकलूं, लेकिन फिर भी बहुत ये देख कर कितना एंजॉय कर रहे भाई। और लेकिन हाँ, एक बात है, डर भी लग रहा है। डर इस बात के लग रहा है कि मतलब कहीं ये छूट ना जाए, बिकॉज मुझे हेलना नहीं आता। इन सभी को हेलना भी नहीं आता। एक मेरे भाई साहब है, ये कभी सीढ़ी पे बैठते हैं तो कभी उतरते हैं, ऐसे ही ये करते हैं, इतना डर लग रहा है इससे। ये कभी ऐसे ही करेंगे, सीढ़ी पे बैठेंगे फिर उतरेंगे। देखो अभी जा रहा हूँ, ये देखो भाई, बहुत ही सच में बहुत ही इंजॉय आ रहा है यहाँ पे आके। मज़े आ रहा है, मज़े कर रहे हैं, अभी और भी मज़ा कर रहे हैं। जितने भी इंसान जितने भी स्नान कर रहे हैं ना, सब पकड़ पकड़ के बहुत ही ठंड लग रही है। बहुत ही ठंड लग रही है, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं सभी आदमी मिल के। अभी वहाँ पे महादेव जी है, वहाँ पे भी मुझे जाना है, वहाँ पे देखना है कि क्या कुछ होता है। तो गाइस स्नान हो चुका है, अब जा रहे हैं महादेव जी के पास। एंड वो देखिए अब महादेव बैठे हैं, तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं बहुत ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। ये रहे शंकर भगवान, जय शिव शंभु। यहाँ गाइस आप देख सकते हैं साधुओं के लिए खाना यहाँ पे दिया जा रहा है साधुओं के लिए। तो गाइस आप बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है, अब चलते हैं कुछ खाना खा लेते हैं। वैसे भी मेरे दोस्त लोग को भी भूख लग चुकी है, चलते हैं इसके अंदर। और भाई आगे बैठ भी गया, हट जा। तो गाइस इस वक्त हम आ चुके हैं होटल एंड कुछ खाना खा लेते हैं, बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही है। सुबह से कुछ खाया नहीं है। और राहुल भाई क्या देख रहा तू? मैं भी देख रहा हूँ भाई, क्या खाना है बता दो। सो फाइनली गाइस जो हमने ऑर्डर किया था खाने का सामान वो आ चुका है मेरे पास। और राहुल भाई कैसा टेस्ट? सही है, खाना भी स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और भाई अबे साला। और भाई जी बढ़िया, कैसा लग रहा खाना? बढ़िया है, चलो स्टार्टिंग करते हैं। गाइस देख सकते हैं आप यहाँ का राम झूला, देख सकते हैं आप गाइस, बहुत ही तेज लहर चल रही है यहाँ पे। ये बड़ी सी राम झूला यहाँ पे, इसे मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा कि जैसे कि भूकंप आ रहा है इसमें, देख सकते हैं। सो गाइस इस वक्त हम जा रहे हैं पहाड़ की तरफ, आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और बहुत ही, और इस साइड में नीलकंठ जी का जो मंदिर है
वो है, तो हम उसी की ओर जा रहे हैं अभी। अभी अभी और कुछ खास होने वाला वहाँ पे, बिकॉज झरना वरना मैंने ऐसा कुछ सुना है, और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो गाइस चलते चलते अब सोच रहा हूँ कुछ ठंडा हो जाए, वो आइसक्रीम ले रहे हैं। आपने लोग गाइस इस वक्त हम ऋषिकेश से निकल चुके हैं और अभी नीलकंठ पहुंच चुके हैं। तो नीलकंठ अभी आ चुका है, अभी बारिश होने वाली है, मतलब बारिश हो भी रही है फिलहाल, आप देख सकते हैं। फिलहाल थोड़ी सी तेज़ हो रही है बारिश धीरे धीरे। अच्छा बारिश तो अभी हो नहीं रहा था फिलहाल, लेकिन अभी हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है। अब चलते हैं, देखते हैं, नीलकंठ का दर्शन करते हैं। वाकई में मैं आपको सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर धीरे धीरे, एक मिनट करके। सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि अगर बारिश थम जाए तो भी बहुत ही अच्छा है कि यहाँ का व्यू रहने वाला है, बिकॉज आप देख सकते हैं हर जगह हर जगह आपको बाहर बाहर मिलने वाला है। बहुत मज़ा आया, बहुत वो नीलकंठ का मंदिर वो रहा, आप देख सकते हैं वहाँ पे। बट बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, हमने पूजा तो कर लिया। गाइस देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा बारिश, हम तो पूरे भीग चुके हैं हम लोग। और कितनी ज़ोर से बारिश यहाँ पे हो रही है कि पानी देखो पानी, ओ भाई। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, हम लोग पूरा भीग चुके हैं भाई, सब पूरा भीग चुका है। So guys, बहुत ही ज्यादा बारिश हो गई थी यहाँ पे, देख सकते हैं आप। बहुत ही ऊंची ऊंची पा रहा है, आप देख सकते हैं, वाह। बट यार बारिश हो गया ना, सारा मूड जो है ना वो बिगाड़ दिया। गेम होने वाला है हम दोनों के बीच, देखते हैं 3-1 कुछ यूं गेम ऐसा रहेगा कि जिस प्रकार से खड़ा होना है इसे। भाई भाई इसका अंत है, भाई भाई खड़ा हो पाते क्या करेंगे। अरे जाओ भाग ले, भाग गैस। बारिश में तो भीग चुके हैं ऑलरेडी। तो मैंने सुना उत्तराखंड की मैगी जो है फेमस है, तो इसलिए मैंने मैगी ऑर्डर किया, अब मैगी खा रहे हैं। अच्छा ना, खा के बताइए कैसा है। सही है, तीखा है भैया को तीखा लग गया, पानी भी से पिला है। चल भाई, और भाई तू बता कैसा है। अगेंस्ट है फ्रंट साइड में पहाड़ है, और यहाँ हम लोग खाने का लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ऐसा आप देख सकते हैं, और इस वक्त हम मंदिर में आ चुके हैं, एंड बहुत ही अच्छी सजावट है मंदिर की, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं दिखाऊँ, यहाँ उत्तराखंड ना मंदिरों के लिए फेमस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें।
अभी शाम का वक्त हो चुका है और हम लोग अब सो गाइस रात के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी ऋषिकेश में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं नाइट का नजारा कैसा है। ये रही आपका वो थार और देखिए ये पार है, काफी अच्छा मोमेंट देखने को मिल रहा है। ये आपको जान खींच वाला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा है।